दोपहर के 12 बज गए दोस्तों, और मैं काम वाम करके यहीं पे बैठी हूँ चौकी में। दिन भर यहीं बैठती हूँ। बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, इतना बदमाशी कर रहा है उसका कोई आता पता नहीं है। और धूप बहुत कड़ा हो गया है, देखिए कपड़ा धोए तो सगुन फैला दिए। और अभी देखिए क्यों यहाँ पे बैठना मेरा ज़रूरी है और क्यों परेशान है वो दिखाते हैं पहले। तो देखिए दरवाज़ा का हाल देखिए, ये क्या करता ना उसी में चढ़ के दोस्तों, और वहाँ पे जहाँ पे घर दिख रहा है ना दोस्तों लास्ट वाला कोना में, वहीं पे कुआं है, जो कुआं बिल्कुल नंगा है। बताइए दिन भर हमको यहाँ पे इसका पहरेदारी करना, आए भाग 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 भाग, पहरेदारी करना पड़ता है दोस्तों। बताइए मुझे अंदर में काम रहता है, थोड़ा सा लेटना है, कुछ करना है, लेकिन मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ सेपरेट नहीं है। दिखाऊंगी अभी कि मैं उसे कैसे उठाती हूँ और मुझे कितनी दिक्कत होती है और कितनी परेशानी होती है, मैं ये दिखाती हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें दिखाती नहीं आप लोग को। नॉर्मली आप लोग मुझे बैठे हुए देखते हैं, कुछ बोलते हुए देखते हैं, लेकिन मैं कितनी मुश्किल से भी उसे ठीक करूँगी ये आप लोग देखिएगा। मैं सगुन को कैमरा दूँगी और वो यहाँ पर पकड़ के बैठेगी। आ सगुन फ़ोन पकड़ो। देखिए अंकल आंटी मम्मा कैसे जा रही है। दिखा रहे हाँ, इधर से दिखा दो, यहाँ पे सब दिखाओ, नीचे दिखाओ, इधर गड्ढा दिखाओ, इधर गड्ढा दिखाओ, इधर दिखाओ, खुला खुला उधर दिखाओ, कुआं था रखा। अब हटो तो पीछे हो, अंदर आओ, रोक रोको रोको फिर से। हाँ को पता चलना चाहिए कि क्यों चिल्लाते हैं और कितना परेशानी से हम। ऐ उसको दिखाओ, उसको दिखाओ कहाँ से घुसता है, कैसे निकलने की कोशिश करता है। ये देखिए अंकल आंटी यहाँ पे जो हॉल है उससे किसवा निकलने का कोशिश करता है। इधर इधर दूर हो जाता है, दिख रहा है उसमें कि नहीं दिख रहा है, बाहर दिखा दे। नहीं नहीं यहाँ दिखाओ ना। मक्खी हटा रहे थे, दिख रहा पूरा दिखाओ, दिख रहा है पटरा पे, रुकिए थोड़ा सा दूर जाना होगा तब पूरा दिखेगा। हाँ दिख रहा है पूरा, अटकाते हैं ताकि ये लग, जब इसमें लदक जाए। इधर दिखा, फिर लदकता है, खुल जाता है। हटो किसना, हटो बेटा, बंद कर दो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह मेहनत से करना पड़ता है दोस्तों, और ये कभी कभी इसको सिर्फ लटका के छोड़ के जाता है, बांधना उंधना नहीं करता है, और इसके कारण बाबू उधर गिर गया है और कितने बार चोट लगा, उधर भाग भी गया। हम लोग बहुत मुश्किल से इसको खींच तिर के लाए, और यहाँ पे सिर्फ इसको खतरा नहीं है, हम अभी दिखाते हैं। देखिए वो कहाँ है, आप लोग देख रहे होंगे कि वो पीछे है वहाँ पे छर्री में, और वहाँ से दीवार का दूरी इतना सा है दोस्तों, वो उसमें भी पैर रख के चढ़ने का कोशिश करता है। और हम दिखाएं कि बाहर कैसा है, गिर जाएगा छोटे बच्चे को, बताइए क्या होगा, कितना कुछ होगा। तो ना इसके परिवार को इस सारी चीज़ों से मतलब है, ना इसके बाप को मतलब है, सिर्फ हमको है। हम दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात अपना बेचैन करके इन बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। वहाँ रहते हैं दरवाज़ा पास, और बच्चा यहाँ पर लटका हुआ रहता है, कभी वहाँ पे लटका रहता है। बताइए हम कैसे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। वहाँ से दौड़ के मेरा आना पॉसिबल है, आप लोग मेरे को चलते हुए देखते हैं। वो बच्ची, उसको शक्ति नहीं है, फिर भी लगी रहती है बेचारी, पढ़ नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। किस पे निकले हम ये सब, जो जिम्मेदार है उसी पे ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये जो सफ़र है क्या इतना आसान है जितना ये मेरे को सोच लेता है।